जब ओट्स की बात आती है तो आप उसे ब्रेकफास्ट सीरियल और ओटमील के रूप में या शायद स्वादिष्ट ओटमील कुकीज की तरह सोचते हैं। पिछले एक दशक में ओट्स बेहद पॉपुलर हेल्थ फूड बन गया है। हेल्थ लाइन के अनुसार ओट्स में फाइबर 10.6 ग्राम और एवेनैंथ्रामाइड होते हैं जो केवल इसी में पाए जाते हैं। एवेनैंथ्रामाइड आर्टीरियल इन्फ्लेमेशन को कम करने के साथ ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में मददगार है। जो लोग हर दिन ओटमील ब्रेकफास्ट या स्नैक के रूप में खाते हैं, उससे उनके शरीर पर पॉजिटिव असर होता है। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन हिट करने के साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आप हमारी डेली वीडियोस कभी मिस ना करें। वजन कंट्रोल करने में मदद करता है। जब वजन घटाने की बात आती है तो कई बार हम थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप ओटमील खाते हैं तो आप अपने वजन को कंट्रोल कर पाएंगे। 2009 में मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन एंड फूड रिसर्च के इशू में प्रकाशित एक स्टडी इस दावे का प्रमाण देती है। स्टडी से निष्कर्ष निकला है कि ओटमील में पाया जाने वाला बीटा ग्लूकन कंपाउंड कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को बढ़ाकर भूख को कम कर सकता है। साथ ही ओटमील में काफी फाइबर होता है जिससे लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ रहेगा। इसका मतलब है कि काम करने के वक्त आपको स्नैक्स लेने नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए गिल्टी हैं। नहीं, आप नहीं। ब्लड प्रेशर कम करता है। नॉर्थ अमेरिका में हृदय रोग मृत्यु के शीर्ष कारणों में से एक है, इसलिए जब ब्लड प्रेशर को कम करेंगे तो हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करेंगे। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हाई होल ग्रेन डाइट उतनी ही इफेक्टिव है जितना कि एंटी हाइपरटेंसिव दवा। बीटा ग्लूकन याद है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। पबमेड में प्रकाशित कुछ अध्ययन से पता चलता है कि ये बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और रेगुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है, जो हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करता है। हर किसी ने कभी ना कभी अपनी बॉडी में शुगर क्रैश को एक्सपीरियंस किया होगा, पर ओटमील खाने से ऐसा नहीं होगा। इसके हाई फाइबर कंटेंट के कारण शुगर ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे रिलीज होता है, जिसका मतलब है इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लो ग्लाइसीमिक डाइट लेस इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है और ये टाइप 2 डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क को कम करता है। ओट्स इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए मददगार होते हैं। जब शरीर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद करता है तो कई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहद सामान्य है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकने का कोई भी विकल्प शरीर के लिए हर तरीके से फायदेमंद होगा। डाइजेशन। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट इश्यू में प्रकाशित रिव्यूज के अनुसार ओट्स सेटिस्फैक्शन, डाइजेशन और डाइट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप भरा हुआ महसूस करते हैं तो आप अपने शरीर को खाना जल्दी पचाने के लिए समय देते हैं। अक्सर लोग ओवर ईटिंग करते हैं क्योंकि वो फुलनेस को महसूस नहीं कर पाते। कोलोरेक्टल कैंसर। बीएमजे में पब्लिश स्टडी में ब्रिटेन और नीदरलैंड रिसर्चर्स ने 20 लाख लोगों पर अध्ययन किया और जानना चाहा कि क्या हाई फाइबर डाइट कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है या नहीं। उन्होंने पाया कि हर दिन 10 ग्राम एक्स्ट्रा फाइबर लेने से कोलोरेक्टल कैंसर विकसित होने का रिस्क 10% तक कम हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। ओट्स एवेनैंथ्रामाइड नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। ये इन्फ्लेमेशन रोकने के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो आर्टरीज को सख्त होने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, जिससे कैंसर और हार्ट डिजीज के रिस्क बढ़ सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड कैंसर में पब्लिश्ड स्टडी के अनुसार ओट्स में पाए जाने वाले एवेनैंथ्रामाइड्स सच में कोलन कैंसर सेल्स को कम फैलने देते हैं। ये ब्रेकफास्ट का आसान विकल्प है। सभी ज्ञान एक तरफ, ओट्स को सुबह खाना हेल्दी रहने का आसान तरीका है। ओट्स में बहुत सारा फाइबर और प्रोटीन होता है जो हम में से कई लोग रोजाना नहीं खाते। आप खुद को एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए आलमंड बटर, फ्रूट्स, नट्स या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जब तक इसमें चीनी नहीं डली हो, ये सबसे आसान तरीका है सुबह की पहली हेल्दी मील लेने का, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखेगी। अस्थमा का खतरा कम करता है। खासकर जब बच्चों की बात आती है तो पबमेड का कहना है कि अस्थमा कई रूप ले सकता है।
वो एयरवे को अफेक्ट करने के साथ सांस लेना मुश्किल कर देता है। ये कई कारणों से बढ़ सकता है, जैसे कि व्यायाम, मौसम बदलना और एलर्जीज। अस्थमा के कई सिम्टम्स हैं, जैसे सांस की तकलीफ, खांसी और खराश। अस्थमा का अफेक्ट सब पर अलग अलग होता है, लेकिन गंभीर होने पर हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के अध्ययन से पता चला है कि अपने बच्चे के शुरुआती आहार में ओट्स इंक्लूड करने से उन्हें अस्थमा के अर्ली स्टेज से बचाया जा सकता है। ये आपको रेगुलर रख सकता है। कब्ज किसी के लिए मजेदार नहीं होती। लैक्सेटिव्स इफेक्टिव हैं, पर वो वेट लॉस के साथ जुड़ा होता है और काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। ओट्स इसका एक बढ़िया विकल्प है। फाइबर के हाई परसेंटेज के कारण ओट्स डाइजेशन में मदद करने के साथ आपको कब्ज से बचाता है और अच्छा महसूस कराता है। रोजाना ओटमील खाने से आपको बॉडी के लिए काफी मात्रा में विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी। सिर्फ आधे कप ड्राई ओट्स में आपको मैंगनीज, विटामिन B1 और B5, आपके फॉस्फोरस के डेली रिकमेंडेड इंटेक का लगभग आधा हिस्सा, आपके डेली कॉपर, आयरन और जिंक का 24%, और साथ ही थोड़ी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन B6 और B3 भी मिलता है। ये तो खूब सारा हुआ ना, केवल 300 कैलोरीज के लिए। हम जानते हैं कि रोज एक ही चीज खाना काफी चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए आप इन तरीकों से ओटमील रूटीन को दिलचस्प बनाकर बताए गए सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ओट्स के कई प्रकार हैं, तो क्यों ना उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। आप ड्राई, स्टील कट या ओल्ड फैशन ओट्स ट्राई कर सकते हैं। इसमें हर एक का यूनिक फ्लेवर है और आप जितना इन्हें ट्राई करेंगे उतना ही पसंद करेंगे। यदि आप नाश्ते में रोज ओटमील खाते हैं, तो इसे फल और नट्स के साथ मीठा बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते, या फिर इसे नमकीन बनाकर ट्राई करें, जैसे अंडे के साथ टॉपिंग करके। आप स्वाद को बढ़ाने के लिए पानी की जगह स्टॉक का उपयोग कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स को स्मूदी के साथ मिलाकर प्रोटीन और फाइबर को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई अनगिनत फ्लेवर्स हैं। अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, तो आप इसमें थोड़ा कोको मिला सकते हैं। बिजी और एक्टिव लोगों के लिए बेक्ड ओट्स काफी अच्छे हो सकते हैं। अगर आप मील प्रेपर हैं, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, जो आपको रेगुलर ओट्स का स्वाद देगा। इसके स्लाइसेस करके आप इन्हें आराम से ले जा सकते हैं, खासकर जब आप सुबह अपने अलार्म को कई बार स्नूज करने वालों में से हैं। आपको इंस्पिरेशन देने के लिए कई रेसिपीज हैं। आप ओट मील को खाली कैनवस की तरह समझ सकते हैं, अगर वो कैनवस विटामिन से भरा होने के साथ वास्तव में हेल्दी हो। और बस वीडियो इतना ही है। ओट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपने डेली रूटीन में ओटमील को शामिल करने की कोशिश करेंगे? क्या आप ओटमील पहले से ही पसंद करते हैं और आपके पास कुछ ऑसम रेसिपीज हैं जो आप फेलो बेस्टी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? क्यों ना आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ओटमील खाने के अपने पसंदीदा तरीके के बारे में हमें बताएं। क्या आपने इस वीडियो को एंजॉय किया? लाइक बटन हिट करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।